हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और जैसे स्टार्ट होने वाली है हमारी अगस्त मंथ की रीडिंग, पूरा प्रेडिक्शन इसमें रहेगा, क्या रहेगा आपका दिस मंथ, मेष से लेके मीन राशि तक कैसे बीतेगा आपका, कैसा रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं अगस्त मंथ की रीडिंग्स, एंड कुछ ऐसे कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिले, एंड साथ ही साथ एंजल्स गाइडेंस भी कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके जो है बहुत सारे चीज़ों को लेके सॉल्यूशन करके आपके लिए लेके आता है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले। मीन राशि वाले भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेके एक सडनली कुछ न्यू चेंजेस अपने लाइफ में लाते हुए दिखाई दे रहे। अगर आप अपने काम को लेकर अगर देखा जाए तो खुद अपने काम में इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे, प्रैक्टिकल होकर काम कर रहे। कहीं ऐसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते ना कि बहुत ज़्यादा सोच के काम कर रहे, मीन्स बोलते ना एक चीज़ को बहुत बार बार देख के काम कर रहे, ये वाली चीज़ें आपकी होगी। अदरवाइज चीज़ें देखी जाए तो रिलेशनशिप में काफ़ी आपको जो है काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी दिखाई जाती है। एक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, एक काम को लेके एक बोलते ना कि अपने पार्टनर से ही जो है अपने काम को लेके अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। काम के लिए फाइनेंशियल के लिए स्ट्रांग एनर्जी होगी। ये भी चीज़ हो सकती है कि लोगों में आपका मान सम्मान भी रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, जो प्यार से भी है कहीं ना कहीं स्ट्रिक से भी है, ये दोनों चीज़ें आपकी चलेगी। आप प्यार से बात करेंगे, स्ट्रिक से भी बात करेंगे, एक स्ट्रिक लेवल भी आपका रहेगा। कहीं बाहर सोशल इवेंट में जाना, कहीं लोगों से मिलना, लोगों से ज़्यादा मिलना, बात करना, काम के लिए बातों की चर्चा करना, लोगों को काम के लिए मनवाना, ये आपका काम दिस मंथ में काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। आपका जो भी नॉलेज आपने लिया है, ये आपका नॉलेज काफ़ी अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि एक इन्वेस्ट होगा, एक काफ़ी अच्छे तरीके से इसको काम पर लगाएंगे। लोगों के भी जो अच्छी नॉलेज जो है, ये लोगों की नॉलेज को लेकर भी आप अच्छे तरीके से इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स मैसेज आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चीज़ें आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अपने आप को बिलीव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, एंड आगे अपने जो काम जो भी करना चाहते हो थोड़ा टीम को लेके काम कीजिए तो अच्छी इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलेंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा मीन राशि वाले कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एंड कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। एंड न्यू वीडियोस जो है आती रहती है, एंड साथ ही साथ जो है टैरो कार्ड रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हीलिंग सेक्शन भी स्टार्ट है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैरिज से रिलेटेड, जैसे कि आपके कुछ रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपके मनी वाइज, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, इसके लिए हीलिंग सेक्शन किए जाते हैं। लामा फेरा हीलिंग सेक्शन होते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक रिमूव करना, स्पिरिट रिमूव करना, ये चीज़ें आप करवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपके लिए जो है लाइव सेक्शन रहता है, एक दिन आड़ करके रहता है, डेली में 7 बजे, जो 7 बजे जो है लाइव सेक्शन रहता है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, अपने सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। एक फ्री लाइव सेक्शन होता है 30 मिनट का, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी मेंबर्स है वो ज्वाइन हो जाया कीजिए। एक दिन आड़ छोड़ के जो है लाइव सेक्शन रहता है तो आप जो है ज्वाइन कीजिए। एंड मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ एंड न्यू टिप्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।